मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निभा करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के, अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना सबको मालूम था ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा, आपने उसके अपने साथ रखा। एक दिन आप पानी पी रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के साहबी थे, कहेंगे या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दे। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूँ शायद ईमान मिल जाए। आपने पकड़ा दिया, घर आया, कहा अब्बा ये पानी पी ले। कहने लगे ये क्या है? कहा ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले शायद तुझे ईमान मिल जाए। सुनो, कहने लगा वहां से किसी का पेशाब लिया वो पी लूंगा ये नहीं पीता, इसका पेशाब लिया वो पी लूंगा ये नहीं पीता। वो वापस जाकर कहने लगे या रसूलल्लाह इजाजत है मैं इसका सर उड़ा दूं? आपने कहा नहीं, तेरा बाप है, ये काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है। और जब वो मरा कमबख्त उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप को जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा पढ़ाऊंगा, कफन देंगे? कहा दूंगा। कहा अपना कुर्ता दे दे। आपने कुर्ता उतार के दे दिया, उसको कफन दे दो, शायद कमबख्त बख्शा जाए। हाय, और अब इतनी नफरत है कि एक दूसरे का जनाजा भी नहीं पढ़ते, सलाम भी नहीं करते, मस्जिदों में लड़ाइयां हो रही हैं। आपने कुर्ता दिया, उसको पहनाया, आप जनाजे के लिए खड़े हुए, हज़रत उमर आगे आ गए, या रसूल अल्लाह आपको पता ये कौन है? उमर मुझे बताते हो ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। कोपेस का आप जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं? कहा अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, तो मैं पढ़ता हूँ शायद अल्लाह माफ कर दे। ये मेरे नबी के अखलाक, ये मेरे नबी के अखलाक हैं।